तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी। उर्मिला उर्मिला आगे भी कुछ बोलेगा? मैं मांगने से पहले तुम्हें ये फूल देकर किस करना चाहता हूँ। तेरा पति बहुत तरक्की करेगा बाब। पति तरक्की करेगा कि पति भीख मांगेगा? हेलो हेलो हाय, आज इतने जल्दी कैसे आ गए? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हेलो दोस्तों, आप सब में से मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि आसिफ जी के साथ प्लीज वीडियो बनाइए, और मैं कोशिश तो कर रही थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपको बोलने की क्योंकि बहुत सीनियर है मेरे से और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो इनको बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि बड़ी मुश्किल से इनको टाइम मिलता है। तो आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया और ये रेडी हो गए, तो यही बड़े आर्टिस्ट की पहचान होती है। तो सर आपके बारे में सब जानना चाहते हैं। क्या बात पूछ रही हैं? आप ये बताइए कि आप कैसे इंडस्ट्री में आप आए और कैसा एक्सपीरियंस रहा? इंडस्ट्री में आना मुझे, जब मैं स्कूल में था तो उस टाइम तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे एक्टर बनना चाहिए। मैं थ्रू आउट माई स्कूल डेज मैं एथलीट रहा हूँ, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने स्विमिंग की, मैंने स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग की जी। लेकिन स्कूली खत्म करने के बाद फिर मुझे, मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ 8-9 महीने करने के बाद मैंने वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, दिल्ली में थिएटर करता था मैं। फिर उसके बाद फिर यू नो आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, धीरे धीरे अपने आप रास्ते खुलते गए। फिर मुझे एक इंडिया का पहला सोप था हम लोग, उसको मिला उस ऑडिशन के बाद। फिर इसके बाद देन आई गॉट अनदर फिल्म, एक मुझे 90 मेरी पहली फिल्म आई रामा और रामा, मेरी डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद देन आई डिड सिनेमा फॉर अबाउट 10 years, 10 साल मैंने सिनेमा किया। उसके बाद फिर मैं अगेन टेलीविजन में आ गया। सो इट्स लाइक साइकिल है मेरी जिंदगी। और भाभी जी घर पे है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी लाइफ का क्या कैसा एक्सपीरियंस? भाभी जी घर पे हैं का एक्सपीरियंस तो खैर इट्स लाइक अ पर्पल पैच फॉर मी, और ये 5.5-6 साल कैसे गुजर गए मुझे अंदाजा ही नहीं लगा, बिकॉज आई वॉज सो मच इनग्रॉस्ड, मैं अपने काम में इतना इनग्रॉस्ड था कि मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि आप मेरी सोशल लाइफ, मेरी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी जिंदगी से कनेक्टेड होती हैं, बिकॉज आपको पता है वहाँ से आना, ट्रैवल करना, मेरे घर से यहाँ जाना, तो पूरा दिन मतलब यू नो सवेरे आता हूँ और रात को जाता हूँ, तो देयर इज नो, बट द शो इज सच अ ब्यूटीफुल शो, और इसके लिए छोड़िए सेक्रीफाइस बहुत छोटी है, और हमने बड़ी मतलब हमने बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से ये शो किया है। दूसरी बात ये कि भाभी जी शो भी मुझे जो राइटर है रमन संतोषी, जब वो शो लिख रहे थे उस टाइम जब उन्होंने एक कैरेक्टर लिखा था विभूति नारायण मिश्रा का, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये कैरेक्टर मैंने आपको सोच के लिखा है और आप ये कैरेक्टर करेंगे। हालांकि इनिशियली चैनल अग्री हुआ, फिर बाद में चैनल को लगा कि नहीं यार वी कैन गेट समवन बेटर देन आसिफ शेख, दे ट्राइड। सो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, फिर मैंने ऑडिशन भेजा उनका। So they like my audition. That's how I got the show. अच्छा, और यहाँ पे आपके सबसे फेवरेट आर्टिस्ट कौन है जिनके साथ आपको सीन करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? मैं बताऊँ शोमा, let tell you the truth, कि मुझे सबके साथ, because हर आर्टिस्ट का यहाँ पे एक अलग फ्लेवर है। बिल्कुल। मैं बोलूंगा कि आपके साथ काम करने में आपका एक अलग फ्लेवर है। रोहिताश जो तिवारी प्ले करते हैं उनका अलग फ्लेवर है, गंगूरी का अलग फ्लेवर है, अरिता का। तो और मेरा क्या है कि मैं हर किसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट मेरी कनेक्टिविटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक ही तरह की, हर किसी से मैं अलग, मेरी रिपोर्ट हर किसी से मैं अलग तरीके से बात करता हूँ, उनसे अलग तरीके से कम्युनिकेट करता हूँ। शोमा ही शी इज प्लेइंग तिवारी जी इज मदर, सो उनका क्या है कि जब भी आती हैं तो मैं इनको, बिकॉज ये गांव की हैं तो मैं इनसे अंग्रेजी में कुछ को उल्टा सीधा बोलता हूँ, नहीं समझती कि मुझे आशीर्वाद देते हैं। हैव अ मोस्ट पथेटिक डे। थैंक यू। चलो क्या बोला रे? मैंने कहा आंटी चल लो यार, आंटी उतार के चल लो, निकल लो। सो हर चीज का एक अलग, वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट यू नो लाइक, जैसे हमारे टीका मलकान टिल्लू है, उनसे एक अलग मेरा यू नो कनेक्टिविटी है। सो आई डू डिफरेंट डिफरेंट, एंड मुझे बड़ा मजा आता है हर किसी के साथ काम करने में। इसे मेरा वो दोस्त बना है प्रेम, प्रेम चोपड़ा। सो उसके लाइक हमारे शो में इतना सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि हर करेक्टर का इतना अपना अपना फ्लेवर है, तो वो फ्लेवर जो है वो लोग एंजॉय करते हैं, दैट्स द मेन थिंग, एंड आई एंजॉय दिस। हम वैसे तो मैं आपको काफी साल से जानती हूँ और हम शायद पहली बार यही मिले हैं ना जी, तो आपको मेरे साथ क्या फील होता है? मैं ये कहना चाहता हूँ शुमा के शी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, वेरी टैलेंटेड एक्टर, और मैंने इनके साथ सीन्स किए हैं और ये बड़ी प्रॉम्प्ट हैं और बहुत स्पॉन्टेनियस हैं,
और कम्युनिटी में आपको जरूरत होती है कि आप स्पॉन्टेनियस कितने हैं, वो बड़ा जरूरी है। तो शोमा इज वेरी टैलेंटेड और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सीन्स किए हैं, ये भी एक फ्लेवर ऐड करती हैं शो को। सो आई मस्ट से कि इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद यू शोमा। मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात है आपके साथ काम करना, क्योंकि मैं बचपन से देखती आई हूँ आपको गोविंदा जी के फिल्म में और काफी सारी फिल्मों में मैंने देखा, और आज आपके साथ काम कर रही हूँ मतलब मुझे बिलीव नहीं होता है। मैं बड़ी मुश्किल से, आप लोग कहते हैं कि मैं आती हूँ और मारती पीटती हूँ लेकिन मैं ही जानती हूँ मैं कैसे दिल पे पत्थर रख के मारती हूँ। शी इज अ लवली पर्सन एंड इट्स रियली प्लेजर, और मैं कहूंगा कि हमारा ये यूनिट इट्स लाइक बुके ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फूलों का बुके है, एंड ये भी एक अपने तरह का फूल है, थोड़ा सा बड़ा फूल है लेकिन फूल है। अच्छा एक चीज और बताऊंगी मैं सर के बारे में, सर जो है खाना खिलाने का बड़ा शौक रखते हैं, इनको मैंने देखा है अक्सर कभी बिरयानी लेके आते हैं और अपने हाथों से हम सबको परोस के खिलाते हैं, और बहुत शौकीन इंसान है। तो दिस इज लाइक इतना प्यार है हम सब में, वी हैव सो मच ऑफ लव फॉर ईच अदर, तो मुझे लगता है कि अगर सब बिकॉज एक अच्छी चीज मैं खा रहा हूँ तो आई लाइक टू शेयर विद एवरीवन, सो ये मेरी कोशिश रहती है और सबकी, वो इनफैक्ट एवरीबॉडी लाइक्स टू शेयर द फूड, जो भी घर से कुछ लेके आते हैं तो हर किसी को दे ऑलवेज ऑफर द फूड कि प्लीज आप भी ट्राई कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए, दिस इज समथिंग रियली नाइस। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया, माय प्लेजर। और आई होप योर चैनल डज वेल, आपका YouTube पे चैनल अच्छा करे, एंड यू हैव मिलियंस ऑफ लाइक्स। थैंक यू ऑल द बेस्ट, ओके थैंक यू। It's caught in the crossfire.